हाय फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो इंडियन रेलवे से जो रिक्रूटमेंट आया है वो ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो जॉब है टोटली अप्रेंटिसशिप है और 70 वैकेंसीज है। और इस जो जॉब का जो लोकेशन होगा वो बिहार में होगा और ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इस जॉब का पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं आज की जॉब। तो देखिए, इंडियन रेलवे से जो रिकमेंड आया है वो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो पोर्टल दिया गया है वो इस वेबसाइट से जाकर आपको अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसेस मैं बाद में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो बिहार जो लोकेशन होगा वो आपका जॉब लोकेशन होगा और इन ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। 70 वैकेंसीज है और यहाँ पे देखिए पूरा 70 वैकेंसीज का डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के लिए है। और यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसियन, कंप्यूटर आईटी, मैकेनिकल इंजीनियर। और डिप्लोमा के लिए देखिए मैकेनिकल डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिसियन और कंप्यूटर एंड आईटी। तो टोटल 70 वैकेंसीज है। यहाँ पे देखिए आपका अप्रेंटिसशिप है और गवर्नमेंट सेक्टर में होगा। आपका एज लिमिट होना चाहिए 15 से 24 ईयर, ओबीसी के लिए 27 ईयर तक और एस सी एस टी के लिए 29 ईयर्स तक। सिलेक्शन जो प्रोसेस रहेगा टोटली मेरिट लिस्ट होगा सिलेक्शन प्रोसेस। और आपका जो एप्लीकेशन फीस होगा कोई भी चार्जेस नहीं है। और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सैलरी जो पैकेज रहेगा वो 9,000 ग्रेजुएट के लिए है और 8,000 डिप्लोमा होल्डर के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो अलग अलग पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो आप पूरा इस डिटेल्स को पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये अप्लाई करना है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट रहेगा 20 जनवरी 2021, उससे पहले आपको अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का देखिए प्रोसेस देखिए यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊँगा कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन में जब क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाके पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अप्लाई में क्लिक कर दीजिए। तो अप्लाई में जब क्लिक करेंगे, अप्लाई मतलब आप जब अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे तो इस विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, राइट साइड में देखिए लॉगिन और एनरोल ऑप्शन है, तो एनरोल में क्लिक कर दीजिए। जब एनरोल में क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में जाकर आपको क्या करना है, पहले आपको पूरा डिटेल्स भरना है। तो इस डिटेल्स के भरने के बाद ही आपको सबमिशन करना है। तो यह देखिए यहाँ पे 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप आपको भरना है। तो इस तरीके से ही आपको अप्लाई करना है। तो एक स्टेप यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाएगा, आप भरते जाइए तो नेक्स्ट स्टेप आएगा। तो इसी तरीके से ये 4 स्टेप आपको फिलअप करना है। तो आई होप इसका जॉब का पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। तो मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते रखिए। तो मिलते हैं नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। धन्यवाद।